एमएसपी मिले और कौन सा एमएसपी मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए किसानों की। जब आय दोगुनी होनी चाहिए तो आय दोगुनी वाली एमएसपी कौन सी है? और खुला हुआ था पूरा। मुझे खुशी इस बात की कि किसानों के समर्थन में सब खड़े दिखाई दिए। किसी को कुछ दिखाई देता है, आपको बीजेपी का एमएसपी नहीं दिखाई दे रहा, बीजेपी के वादे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को एमएसपी याद ही नहीं है, दुगना वाला किसान को जो मिलना था। अखिलेश जी भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी अन राजनीतिक भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, तब भी किसान से बात करने के लिए तैयार है सरकार? भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि वो आय दोगुनी वाली एमएसपी कौन सी है और आय दोगुनी वाली एमएसपी कब भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी किसानों को। सर कानून व्यवस्था पर भी आपने अलायंस को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पे सरकार पूरी तरीके से असफल है। जगह जगह बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही, हत्याएं हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अगर देखें हम, सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा अन्याय अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही। सर, जिस तरह से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के या प्रश्न जिन पे लग रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। अलायंस को लेकर के हमारी बात साफ है। बहुत समाजवादी पार्टी बड़े दल से गठबंधन नहीं कर रही, छोटे दलों को साथ जरूर लेगी। को लेकर क्या रहेगा? जो बात कह चुके, अगर आपको नहीं याद हो दोबारा रिवाइंड कर लो। शिवपाल जी आपके प्रस्ताव दोबारा रिवाइंड कर लो। नहीं, आप जो जानकारी हो पुराना जानकारी कर लीजिए। आप अपना चैनल का नाम बताइए, मुझे पता है क्या चीज़ है आप। चलिए, सबको पूरे देश को बताइए आप क्या चीज़ है। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि आप लोग किस हालत में, हमें पता है। सर, जिस तरह से विपक्षी दल सर किसान के मामले में, जिस तरह किसान के मामले में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को उनकी आय दोगुनी जरूर याद दिलाएगी। जिस तरह से हाथरस कांड, और दूसरी बात जो यहाँ आए हैं वो इसलिए आए हैं कि कम से कम समाजवादियों ने कानपुर को मेट्रो दी, और जो मेट्रो आज चल भी नहीं, जिसका शिलान्यास दोबारा किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छी है क्योंकि वो शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। इसी कानपुर में जो आज देश के उपराष्ट्रपति जी हैं और यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के और हमारी पार्टी के सभी लोगों ने मिलकर के शिलान्यास किया था, और उसी का परिणाम है कि मेट्रो दिखाई दे रही है। तमाम मामलों में नवीन मार्केट में जो सुंदरीकरण हुआ एक हिस्से में जरूर हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 4 साल में और विकास कराती तो इस डेवलपमेंट को और आगे लेके जाती तो शायद कानपुर एक अच्छा शहर दिखाई देता। आज कूड़े से लेकर के कूड़ा, ट्रैफिक की अव्यवस्था, बिजली का संकट और तमाम चीज ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। रोजगार के सवाल पे सरकार पे जवाब नहीं है। सरकार ने कहा 1 करोड़ नौकरी दे दी, सरकार कह रही है हम 50 लाख नौकरी देंगे। हम सरकार से केवल इतना चाहते हैं कि जो 1 करोड़ नौकरी दी, जो 50 लाख नौकरी दी, उसकी सूची जारी कर दें। समाजवादी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था, आजकल बहुत चीजें वायरल हैं। और देखिए वायरस से उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है सर, लगातार FIR पड़ी है। कोई बात नहीं, वो कानून अपना काम करेगा। देखिए जो विकास की गति समाजवादी सरकार में थी उसको थाम दिया, रोक दिया। मतलब आप मानते हैं कि जितने कार्य आपने कराए उसका शिलान्यास भाजपा करेगी? मुझे तो यही नजर आ रहा है।